यार आजकल की 21st सेंचुरी में जितने सोशल मीडिया बढ़ गया है, जितने नोटिफिकेशंस ऑन हो गई हैं, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, इतनी तबाही हो गई है इतनी. यानी यू आर वाइल यू आर ड्राइविंग यू आर ऑलवेज ऑन टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल, वाइल यू आर विद योर फैमिली आपका जहन कहीं ना कहीं चल रहा होता है. तो डिस्ट्रैक्शन से आजकल के दौर में बचना और फोकस अचीव करना, आई थिंक दिस हैज़ बिकम वन हैक ऑफ अ टास्क फॉर अस. डिस्ट्रैक्शंस हैव ऑलवेज बीन देयर आई थिंक, है ना, लेकिन आजकल के ज़माने में थोड़ा सा शायद सोशल मीडिया एडवेंट से थोड़ा सा ज़्यादा हो फोकस गया, कम हो गया. एग्जैक्टली, लॉट ऑफ एप्स डिस्ट्रैक्शंस बढ़ बहुत गई ना, टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है ये क्रिस बेली की, हाइपर फोकस के नाम से. तो उसने बड़े मज़े की, उसने एक्सप्लेनेशन उसकी, मैं एक टॉक भी सुन रहा था. ही वाज एक्सप्लेनिंग के हम लोग अक्सर कहते हैं ना, वी आर माइंड्स आर डिस्ट्रैक्टेड, आर ब्रेन्स आर डिस्ट्रैक्टेड. तो उसने ना कह रहा था कि वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, वी आर बेसिकली ओवर स्टिमुलेटेड. सो एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि हमारा दिमाग, हम लोग तो ना, वी एट वन मोमेंट इन टाइम ना, वी आर, हमारे जितने भी सेंसरी इनपुट्स हैं, हम लोग 11 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं एट एवरी सेकेंड, जिसमें से हमारा कॉन्शियस ब्रेन है वो रफली 40 to 60 को प्रोसेस करता है. एंड उसमें से फिर हम लोग कुछ, उसमें से भी हल्के कहते हैं जो रियली जिस पे अटेंशन ज़्यादा होती है, वो 3 से 4 या एंड वन टाइम, एट वन मोमेंट टाइम हम एक पे काम कर रहे होते हैं. अब हो गया कि जब हम सेलफोन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम तगड़ा धड़ ढेरों ढेरों इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हमारा दिमाग में जा ही जा रही हैं चीज़ें, हमारी ब्रेक नहीं मिल रही. सो वी आर कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड, जिसकी वजह से वी आर ऑलवेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्टेड, एक काम पे फोकस नहीं हो पा रहा ना. इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है वैसे ब्रेन वाली ना. 86 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं हमारे ब्रेन में. न्यूरॉन्स बेसिकली वो होते हैं जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स ट्रैवल करते हैं, वो पूरा एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है आप समझ लें. लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें ब्रेन गैदर कर रहा होता है, अल्लाह ताला ने वो डिवाइड किया हुआ है ना, सबकॉन्शियस माइंड भी है, बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली उधर ही जा रही ज़्यादा, ताकि आपको कॉन्शियस एफर्ट ना करनी पड़े. बहुत सारी चीज़ें जो आप नई दफ़ा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, उनमें आपको कॉन्शियस एफर्ट पुट करनी पड़ती है. इसमें ये भी है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कि जैसे देखें पहले खासकर अगर आज एज जो यूथ है उनकी बात की जाए, तो देवर यू नो वीडियोज़ बैक देन के आधे आधे घंटे के वीडियोज़ हैं, वो श्रिंक होते होते 5-6 मिनट के वीडियोज़ आने शुरू हो गए. अब उसको भी अगर आप श्रिंक कर लें, तो 1 मिनट के मेरे ख्याल से वीडियोज़ थे, अब वो 30 सेकेंड्स पे आ गए हैं, और वो भी रील्स अब नो, अब अल्लाह नोज़ बेस्ट कि अब अगले दफा भी क्या होने वाला है. तो यू नो यू जस्ट कीप ऑन स्वाइपिंग एंड ऑल, और ये ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग चल रही होती है. सो मच डोपामाइन दैट वी नीड, हमारे डोपामाइन सेंटर्स इतने इन्फ्लेट बड़े हो गए हैं कि अभी हमें जो पहले 10 साल पहले जो डोपामाइन सेटिस्फाई करता था, वो अभी नहीं करता. नाउ वी नीड डोपामाइन रश एवरी 10 सेकेंड्स, एवरी 15 सेकेंड्स. और हमारे जो जहन में ना ब्रो, देखें रिसर्च के मुताबिक 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे, 35,000 चॉइसेस वी मेक इन अ डे, किसको लाइक करना है नहीं करना, नीचे जाना है, इसको रिप्लाई करना है नहीं करना, इसकी कॉल अभी उठानी है उठानी, ये इधर से गुजरना है या मुझे इधर से गुजरना है, 35,000 चॉइसेस. और 70,000 to 140,000 थॉट्स हमें आती हैं, यानी आ रही होती है, और सिर्फ यानी ये कॉन्शियस थॉट्स हैं, सब कॉन्शियस थॉट्स तो बहुत लाखों में आ रही होती हैं. एंड व्हाट हैज हैपन टू अस इज कि हम उन सब को जो है ना, व्हाई यू फील स्ट्रेस, लोगों के ना यहाँ पे पेन होता है, लोगों को ना हार्ट बीट तेज होता है, लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि मेरी लाइफ में हर चीज सेट है, बट क्यों मैं स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ. उसकी वजह यही है कि दे हैव सो मच इन देयर ब्रेन कि वो प्रोसेस वो एग्जॉस्ट हो जाता है. आप कभी सीपीयू पे 5-6 काम इकट्ठे खोल देना, वो उसकी जो है ना वो धुएं निकल जाती हैं, मतलब ब्रेन के साथ भी. लेकिन साइंस में ना ये अभी तक हम ये डिस्कवर नहीं कर पाए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना कंप्यूट कैसे होती है, माइन्यूट लेवल पे, हाउ इज इट ऑल कंप्यूटेड दिस सारी इन्फॉर्मेशन, ये अभी तक साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई. और साइंटिफिक सर्कल्स में ना ये डिस्कशन इवन बहुत ज़्यादा है कि वट एक्चुअली इज कॉन्शियसनेस. यू नो मतलब सर्कल्स बैठ के एकेडमिया के लोग 3-4 लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके ख्याल में कॉन्शियसनेस क्या है. अगर स्पेस में कोई भी चीज़ नहीं है, कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको लगता है कि उस एयर स्पेस में कोई कॉन्शियसनेस है? क्योंकि बैक्टीरियल लेवल पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि कॉन्शियसनेस उनकी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर फूड होती है वो फूड की तरफ बढ़ते हैं और फूड को एंगल्फ कर लेते हैं.
और जब वो फूड ले लेते हैं तो फिर उनका पेस स्लो हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, लेकिन जैसे ही वो फूड कंज्यूम हो जाता है दे अगेन कीप मूविंग विदाउट हैविंग एनी सेंसरी फैकल्टी, यू सी व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हेन इट कम्स टू फूड, यानी जब आप कुछ खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो जो बैक्टीरिया है या जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ खाता है, तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज सो मच डिस्कशन ऑन इवन सच थिंग्स लाइक व्हाट इज रियलिटी, डज रियलिटी even exist. हाँ, ये तो खैर फिलोसफी, इसके अंदर तो अजीब अजीब डिस्कशन है, बट जहाँ तक ये हमारे जो जनरल है ना सेल फोन से और फोकस और इन चीज़ों से रिलेटेड, इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टडीज बहुत सारी हुई भी हैं, बल्कि एक हमारे ब्रेन से रिलेटेड था कि आई थिंक 2012 में हार्वर्ड की स्टडी थी, जिन्होंने उन्होंने ना 5,000 लोगों को ओवर 80 कंट्रीज उनको स्टडी किया, और उसमें उन्होंने देखा कि लोग कितना उनका ना ब्रेन वेंडर कितना कर रहा होता है, वेंडरिंगनेस कितनी है, तो वो आ रहा था कि जो रैंडम थॉट्स और चीज़ें होती हैं वो तकरीबन 47% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग ना रैंडम चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, लाइक कॉन्शियसली हमारा ये दिस इज द कॉन्शियस ब्रेन, तो वो कह रहा था कि नॉर्मली अगर आप मेरे से बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको बेसिकली यू आर गिविंग मी 50% रफली योर अटेंशन, 50% अटेंशन आपने मुझे दे रहे होते एवरेज आउट, तो वो कहते हैं और ऑल्दो एक चीज़ ये है कि जो वेंडरिंग है ना इट्स एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वेंडरिंग करते हैं दैट्स व्हेन योर क्रिएटिविटी कम्स इन, योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन, मी एज अ लेमैन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, नहीं सीरियसली अब देखें जब बंदा जिम जाता है ना, अच्छा देखें दो चीज़ें होती हैं, यू नो देयर इज दिस जो ड्वेन जॉनसन एट द रॉक वो कहते हैं ना फोकस, उसका यही स्लोगन है फोकस, एंड इट रियली यू नो इट रियली मीन्स समथिंग, आप एक्सरसाइज लगाएं, आप एक्सरसाइज लगा रहे हैं आप बिल्कुल फोकस होकर लगा रहे हैं उसके रिजल्ट्स चेक करें, और एक आप रैंडमली एक्सरसाइज लगा रहे हैं आप कहीं कभी से बात कर रहे हैं आप कुछ हो सकता है कोई बंदा म्यूजिक सुन ले या कोई और लेक्चर सुन रहा है फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है ब्रो रिजल्ट्स में फर्क आएगा पता है और ये आपके ब्रेन के बड़ा डिपेंड करता है कि जब आप फोकस होते हैं ना, हालांकि चीज वही है एफर्ट वही है सब कुछ वही है और रिजल्ट्स देखिए उसमें आपको इस कॉन्सेप्ट को ना आजकल बड़ा स्टडी किया जा रहा है और फैलाया भी जा रहा है, माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, बींग माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट, यानी माइंडफुलनेस को अगर मैं सिंपल डिवाइड करूं कि नोइंग वेयर यू आर सिटिंग, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड, आपके बॉडी में आपको ख़ारिश कहाँ पे हो रही है, ठीक है, इच एंड एवरीथिंग, आपको अटेंशन फोकस के साथ मल्टीटास्किंग ना करना, यूनिटास्किंग करके, यू नो व्हाट, इवन स्टडीज ने ये शो किया है कि जो लोग माइंडफुल ईटिंग करते हैं ना वो ऑबेसिटी की तरफ नहीं जाते हैं, देयर स्टमक गिव्स देयर ब्रेन अ क्विक सिग्नल कि यू आर फुल राइट नाउ, जो लोग अनमाइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं मूवी देख रहे हैं टीवी पे खबरें सुन रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं, द डिले इज देयर इन गिविंग द सिग्नल सिग्नलिंग और रिजल्टिंग इन ओबेसिटी अभी इतनी, अब ये आप ये कह लें कि एपिडेमिक हो गया है, बड़ों की बात को छोड़ते हैं अगर बच्चों को देख लें ब्रो, 7-7 घंटे जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं यकीन करें वो उनका जो जो बॉडी है इतना टेम्परेचर ऊपर चला जाता है उनको पता भी नहीं चल रहा होता, और इतने वो खा रहे हैं कभी कुछ बर्गर चल रहे हैं पिज्जा चल रहे हैं, देखा है कि बच्चों को खाने के टाइम पे सेलफोन लाजमी देना शो करती है कि आपका जो इवन आप फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं यानी माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज, ठीक है, या माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन बोलते हैं, MBIs बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी एक इवन माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी भी है, ये बल्कि वेस्ट में तो बहुत पिकअप करके भी है कि जिसमें यू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल बाय माइंडफुल माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस, यू डोंट ओवरथिंक योर पास्ट और इतना आप फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रेस नहीं होते, यू नो यू ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, इट्स मोर देन दैट, इट्स एक्चुअली वेटिंग एंड रियलाइजिंग कि मैं अभी किधर बैठा हुआ हूँ, क्या सोच आ रही है मेरे, उसमें खाने के टाइम पे फोकस्ड होना, आपको हमारे जहन में जो एक एमिग्डाला है उसके अंदर जो ग्रे मटेरियल है वो MRIs वाले थ्रू किया गया जो हमारे ना स्ट्रेस लेवल्स में डील करता है, इट श्रंक एंड रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ माइंडफुल बेस्ड इंटरवेंशन, कि आप फोकस्ड हो आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, आपका यानी हैप्पीनेस ब्रो जी,
MBIs के थ्रू ये पता क्या होता है, ये आप जो बात कर रहे हो ना, हमारा जो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस इसलिए हो रहा होता है कि जब आप माइंडफुल है ना तो आप एक काम पर फोकस कर रहे हैं. बेसिकली माइंडफुलनेस के एक समरी है कि अगर हम जैसे भी हम बैठे ना, एग्जैक्टली, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस डिस्कशन. हमारे जिम में कोई अपने घर का काम ना चल रहा, यहाँ पे कोई सेल फोन ना हम चेक कर रहे हो, हमारा अटेंशन किसी और चीज की तरफ ना डाइवर्ट, लाइक मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे, आप बात करें मैं आपका फोकस होकर सुन रहा हूँ, ठीक है. नाउ दिस इज बीइंग माइंडफुल. व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज यूनिटास्किंग. मल्टीटास्किंग लीड्स टू स्ट्रेस, रिलीज ऑफ कोर्टिसोल व्हिच इज अ स्ट्रेस हार्मोन. जितना आप मल्टीटास्क करते हैं आपके दिमाग में होते हैं, हमें लग रहा होता है अच्छा मैं एक वक्त में चार काम कर रहा हूँ. कुछ लोगों को तो खुद स्ट्रेस फील भी होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रोडक्टिविटी, कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा अच्छा मल्टीटास्क करूं. और स्टडीज इस पे रिसर्च हुई है लोगों पे, जो लोग कहते हैं उनके ऊपर कि उनके एक्चुअली परफॉर्मेंसेज आर सम ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेज. तो वो क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल जब आपके ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाती है. कॉर्टिसोल को आप रिलीज करने के लिए ना एक्सरसाइज जो है इट्स वेरी गुड. यस, मतलब इट हैज टू बी रिलीज समवेयर. अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपकी आपका ब्रेन हेल्थ बहुत डैमेज होती है. वो पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि आप ना कॉम्पिटिशन से और उस सब से ले रहे होते हो, यानी और उस दिन शेयर कर रहे थे कि जिसमें यू आर इन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड यू आर चेकिंग योर मैसेजेस. ये ब्रो कितनी बड़ा मसला है. मुझे ट्रैफिक पुलिस वाला बता रहा था कि ताहा भाई आपको पता नहीं है इस मोबाइल फोन की वजह से एक्सीडेंट्स 90% बढ़ गए हैं. पहले कम होते थे लेकिन आज हम जितने एक्सीडेंट्स देखते हैं ना उनकी 90% जो रीजन है ना वो सेल फोन है. यार आप लाइट्स दे रहे होते हैं बंदे को वो नहीं हट रहा होता, आप डिसेंटली लाइट्स दे रहे हैं, वो डिसेंटली लाइट से तो लगा था. मतलब मेरा वैसे तरीका ये कि आई डू इट वंस, आई डू इट ट्वाइस and then I do थोड़ी देर बाद बॉल के ऊपर चार के बम्पर पे. जब आप उसको मैंने कितनी बार यार रिपीटेड जब क्रॉस किया तो बंदा फोन पे था यार, फोन पे बहुत. अब तो कॉमन है, गाड़ी ऐसे आ रही होती है, आप फास्ट लेन में जा रहे हैं गाड़ी आपके अंदर आ रही है, आप उसको ना सरप्राइज करते हो बाय यू नो हॉर्न. वो अचानक से ठीक होता है, फोन उसके पास ऐसे होता है और कितने लोग. सो आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड चेकिंग योर सेल फोन एंड दिस इज अ नॉर्मल हैबिट नाउडेज ऑफ द यूथ और हम में से भी कुछ लोगों की, ठीक है. क्या इवन सुभानअल्लाह मैं बताऊँ आपको, ये भी बड़ी डिस्कशन है कि क्या जो दुनिया के मोस्ट प्रोडक्टिव लोग थे वो यूनिटास्किंग करते थे या मल्टीटास्किंग करते थे. 10-15 साल पहले मल्टीटास्किंग वाज अ प्रेज्ड कॉन्सेप्ट. नाउ ये इसको ना लोग तजलील की नजर से, यानी बड़ी जल्दी डिबंक हुआ है, बड़ी जल्दी डिबंक हुआ है. अल्लाह के नबी वाज ऑलवेज अ यूनिटास्कर. अभी जो आपको पोमोडोरोज हैं, जो पोमोडोरोज यानी 20 मिनट टेक्निक जो है जिसमें आप 20 से 45 मिनट एक फोकस्ड काम करते हो, देन यू गेट अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन आपका, क्योंकि हमारा ग्राफ शो करता है कि हमारा डिस्ट्रैक्ट जब हम फोकस होते हैं ना किसी जगह पे हमारा फोकस लेवल गिरता जाता है. सो हमारा जो अटेंशन लेवल है ना, अगर हम किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हों और वो लंबे टाइम के लिए हो तो हमारा अटेंशन कम होती जाती है उसी चीज के ऊपर, उसी चीज के ऊपर. अच्छा, कम होती है लाइक 30-45 मिनट्स क्योंकि हम इतने फोकस्डली काम करें. तो उसके लिए देश है कि आप ना टाइट बबल्स ऑफ टोटल फोकस बनाएं 20 से 30 मिनट के, उसमें काम करें. इवन 45 मिनट्स तक भी जा सकते हैं आप, फिर गेट अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स एंड लीव दैट एनवायरनमेंट. गो कॉल समबडी, मीट योर किड्स, मीट योर पेरेंट्स एंड देन कम बैक, और आपका जो वो फोकस का ग्राफ नीचे आया होता है ना वो दोबारा ऊपर से शुरू हो जाएगा. सो कहने का मतलब यह है कि चीज़ें जिस चीज़ पर काम करें ना फोकस पर काम करें, फोन को दूर रखें एंड देन उसमें तो हमारी लाइफ में के दौरान अभी हमारी लाइफ में देखें ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस आ चुके हैं. यू नो द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग मोबाइल आपके सामने है, टीवी सामने खुला हुआ है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है. फिर आप जाते हैं स्कूल में, पता नहीं टीचर्स जो भी पढ़ा रही होती हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता. मैंने एक्सपीरियंस किया माइंडफुल ईटिंग पे. हां जी, साथ मैंने ना खुद when I was eating food ना एंड when I'm stressed सोच रहा हूं مختلف चीजों के बारे में, प्लान कर रहा हूं सब कुछ, ना खाने का मजा आया, स्ट्रेस लेवल ही बढ़ता था हमेशा. ठीक है, मैंने कहा कर सोचा यार खाने के दौरान ना इवन मुख्तलिफ एक्टिविटीज के दौरान आई शुड डू नथिंग एट ऑल, मेरा ब्रेन ब्लैंक होना चाहिए थॉट से एंड आई शुड एंजॉय, आई शुड फील कॉन्शियसली फील द टेस्ट ऑफ दैट चावल एंड कीमा एंड दाल. और ब्रो इतना मजा आया. सही बात है. सो यू केप्ट ईटिंग फॉर लॉन्गर देन? नो, इट वाज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. इन फैक्ट, और आप बता चबा के बेहतर खाते हो. इनफैक्ट ये जो माइंडफुलनेस को ना, ये गोरो ने तो इसको मेडिटेशन के साथ वो काफी लिंक कर दिया कि यार इट्स अबाउट मेडिटेशन और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस चीजें ना. तो एक इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, बड़ा उनका खैर उनका कॉन्सेप्ट और है, तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग. वो बंदा कहता है सब लोगों को उन्होंने रेडी करके उन्होंने कहा कि आप लोग ना अब आपने कॉन्शियस माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है. सो टेक योर ब्रीद, मतलब उसका ब्रीद इन, तो लोग सारे ना ब्रीद इन करें
फिर क्या ब्रीद आउट, और कहता है अब अपना ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें अपना, ठीक है, और वो उस पर फोकस कर रहा. अच्छा, और मैं फोकस करने लग गया. वो मुझे ब्रीदिंग टेक्निक बहुत हेल्प करती है. अच्छा, और वो इतनी, अच्छा मैंने भी हेल्प किया वो जब कह रहा था, आई वॉज डूइंग इट माई सेल्फ ना, लेकिन वो कह रहा नाउ इमेजिन दिस ब्रेथ गोइंग इन, आप उसको ब्रीद को इमेजिन करो कि आपके लंग्स में जा रही है, लंग्स में किस तरह फैल रही. ये इवन NLP के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स जिसमें समवन नरेट्स एंड यू स्टार्ट टू, आप आंखें बंद करके पूरा प्रोसेस इमेजिन करते हैं, बट ज़बरदस्त हीलिंग प्रोसेस होता है हिप्नोसिस का ना. तो फिर क्या हुआ उसमें, लेकिन एंड में ना उस बंदे का कंक्लूजन जो था ना बड़ा डिफरेंट सा था. वो कह रहा था नाउ बी ग्रेटफुल कि आप ब्रीद कर रहे हैं. और मैं उस टाइम सोच रहा कि यार सुभान अल्लाह, ये जो ब्रीदिंग है ये कितनी बड़ी नेमत है जिसके हमने कॉन्शियसली कभी नहीं सोचा. एंड जस्ट लाइक दिस मेरे जहन में और सारी नेमत अल्लाह की आना शुरू होगी कि यार ये हाथ हैं, ये चीज़ें हैं. हम लोग कॉन्शियसली इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना शुरू करें. उन बेचारों के पास ना ये चीज़ नहीं थी. ब्रो मुझे तो ये वो इन चीज़ों को सोच के ना, वो टॉप लेवल CEOs, MDs, बट डायरेक्टर्स कंपनीज को ह्यूमन बॉडी का जितना ज्यादा पता हो ना, तो ये शुक्र वाली कैफियत और ज्यादा होती है. बिल्कुल ऐसा, मुझे तो वो अमेजमेंट है ना. अच्छा, उसने पता क्या बताया, बड़ी जबरदस्त चीज बताई सुभान अल्लाह. उसने कहा कि हमारी जो बॉडी के अंदर आई गेस आपको जो वेन्स है या आर्टरीज है, उसकी लेंथ जो है अगर वो सारी खोल के एक सिंगल लाइन में लगा दी जाए ना, इट्स ओवर 6,000 माइल्स, जो कि अर्थ का ना 300,000 है, बिल्कुल ऐसे रफली 200 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, नॉट 200, 2.5 टाइम्स पूरे अर्थ की सर्कमफेरेंस को कवर करता है. सो इट्स अबाउट डीएनए. यार मेरा तो दिमाग, जो आपका डीएनए स्ट्रिंग है ना, उसको अनरोल करके अगर आप करें ना, तो इट गोज टू मून एंड कम्स बैक. अल्लाह हू अकबर, दिस इज इनसाइड आवर बॉडी, दिस इज इनसाइड, इवन दैट पर्सन इज यू नो डिफरेंटली एबल्ड है अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तब भी सुभान अल्लाह इतना कॉम्प्लेक्स. अल्लाह ताला ने मतलब जिस जात ने उसको क्राफ्ट करके आपके अंदर गुंजल की शक्ल में नहीं रख दिया, बिल्कुल उसका इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ मीनिंग, और कोई पैटर्न भी होगा आई एम प्रीटी श्योर. भी ऑब्वियसली ब्रो, और ब्रो इवन ये जो यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स का जो है ना स्ट्रेस डिक्लाइन सेंटर के फाउंडर भी कहते हैं कि जो जिन जिन लोगों ने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया ना, 43% दे उनकी जिंदगी में इंक्रीज्ड हैप्पीनेस आ गई. और आपका व्हेन यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, आपका जो डिप्रेशन है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपका जो इंसुला है, ठीक है, जो आपके इमोशंस कंट्रोल करता है, और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अटेंशन फोकस कंट्रोल करता है, इस पे थिक लेयर ऑफ न्यूरॉन आ जाती है बाय नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशन, बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. और आप वो टेक्निक्स अपनाते हो, लेकिन हमें तो मुझे लगता है कि वो डिविएट कर दिया है मोटिवेशन फॉर प्रोडक्टिविटी ने, है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर लो. मिसाल के तौर पे अगर मैं, मिसाल के तौर पे मैं क्या सोचता हूँ, मैं अगर ड्राइव करके किसी लंबी जर्नी पे जा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार वॉइस नोट्स मेरे जितने भी पेंडिंग है ना, मैं ज़रा वो सुन लेता हूँ, ताकि मैं टाइम सेव करूँ. मेरे जहन में क्या होता है कि मैंने टाइम सेव करना. सो एट वन प्लेस यू हैव टाइम सेविंग, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग दैट बी माइंडफुल. व्हाट इज दिस एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ बीइंग माइंडफुल, मतलब हाउ डू यू डू दैट? ये इसमें ना एक तो टेक्निक्स हैं जो माइंडफुल, जिसमें लोग बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, दूसरा जो इसमें है ना, मैं इसको माइंडफुलनेस से भी ज़्यादा ना मैं कहूँगा कि जो आपके कोर काम है ना, वो फोकस से होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बैठ के ना लैपटॉप पे कोई काम करना है, या मैंने कोई स्टडी पढ़नी है, मैंने किताब पढ़नी है, मैंने कुछ करना है, उस टाइम मेरा सेलफोन, मेरी चीज़ें बाकी कहीं और हो. आई शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट ऑल. अभी तो ये रिसर्च है कि आप अगर लैपटॉप और फ़ोन आपके पास है ना, सो आपका अटेंशन स्पैन 41 सेकेंड्स है बिफोर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग. कुटिंग या कुछ हो जाएगा अगर आप डिस्ट्रैक्टेड, 41 सेकेंड्स में इतना शॉर्ट स्पैन है अगर आप लैपटॉप और फोन भी आपके पास है, ठीक है. दिस इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन. इट टेक्स यू अराउंड 15 टू 20 मिनट्स टू गेट बैक एंड फोकस ऑन दैट. जिस लेवल पे आप काम कर रहे थे, उस लेवल पहुंचते तक, उस लेवल ऑफ फोकस पहुंचने तक आपको 20 मिनट लग जाते हैं. तो इतने बुरे हालात हैं. तो वन शुड बी अपना जो मेन कोर काम है ना दिन के जितने भी हैं, आई वुड सजेस्ट कि मैं खुद भी ट्राई करता हूँ कि वो जब करने लगो ना, तो उस टाइम सब कुछ बंद हो. इवन आपके लैपटॉप पे भी ना रैंडम विंडोज शिंडोज ना खुली हो, ना व्हाट्सएप खुलाओ, ना कोई और चीज़ खुली हो. आप जो काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, या जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी हम इतना अपने आप को वो कर देते हैं ना कि यार हर टाइम मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ. तो योर ब्रेन इज अ मसल जिसकी हैबिट बन जाती है डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, एंड देन यू कैन नॉट कंट्रोल इन योर सेल्फ. ब्रो वो ये मैंने मुझे फील किया है. यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट सम थिंग्स ड्यूरिंग योर वर्क,
and you cannot stop thinking about some things during your salah as well. अच्छा मुझे समझ में बात आई, जैसे आपने भी कहा ना कि जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं और फिर आपने भी वो एयर के बारे में बताया, ऑक्सीजन जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, तो इसी हवाले से मुझे एक वाक्य भी याद आ रहा था जो हारून रशीद का है रहमतुल्लाह। वो ये कह रहे थे ना कि जब यू नो ही वॉज अ किंग और उनको प्यास लगी तो उन्होंने एक शख्स से कहा कि पानी लेके आ जाओ। बिफोर ही गेव दैट ग्लास ऑफ वाटर टू दैट पर्सन, तो वो कहता है कि अगर आपको डिनाई किया जाए, आपको ये ग्लास ना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे इसके अगेंस्ट? कहते हैं कि आई गिव हाफ ऑफ माई किंगडम, कि अगर मुझे ये पानी का ग्लास ना मिले। तो फिर उन्होंने दे दिया पानी का ग्लास, और जब उन्होंने पानी पी लिया और फिर कहा कि अगर आपको डिनाई किया जाए कि आप यही पानी यूरिन के थ्रू ना पास ऑन करें, तो व्हाट वुड यू डू देन? तो कहते हैं आई गिव माय फुल किंगडम। तो ये फिर दोनों वो बैठे हुए थे और कहते हैं कि सुभान अल्लाह, ये मेरी बादशाहत की, मेरी सल्तनत की हैसियत है। एंड दे बोथ स्टार्टेड वीपिंग। और इस बात से ना मुझे एक और भी बात याद आ रही, सुभान अल्लाह इज वेरी वेरी ग्रेटफुल, यानी इफ यू रियलाइज आज हमारे यूथ की अगर हम बात करें, द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन व्हाट आई थिंक इज द ऑपोजिट जेंडर। ओके, यू टॉक अबाउट वुमेन या फीमेल्स की बात की जाए, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का देखें क्या मुनफरिद वाकया, जो ये पूरे सूरह यूसुफ के नाम से हम जो है पढ़ते भी हैं। अब देखें, एक वो वक्त था कि जो अजीज़ की बीवी थी, व्हाट शी डिड वाज उसने अपने आप को तजम्मलत, अपने आप को शी ब्यूटिफाइड हरसेल्फ इन अ यू नो जितना वो कर सकती थी, शी परफ्यूम्ड हरसेल्फ। और फिर किया क्या कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने सारे दरवाजों को लॉक कर लिया, और फिर उसने क्या कहा, एंड ही इज़ अ स्लेव एट दैट टाइम, कहती है हई तलक आ जाओ, यू नो बदफेली के लिए उसने जो है जब पुकारा। तो सुभान अल्लाह, आप देखें ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था, काला माअदल्लाह, यानी उसी वक्त ही अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं और फिर क्या कहते हैं, इन्नहु रब्बी अहसना मथवाई, तब भी अपने रब को याद रखा, वो मेरे रब हैं, उन्होंने मुझे कितने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। द मोर यू आर रिमाइंडफुल ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, आप देखें ये तो एक एक्सट्रीम एक सिचुएशन है ना, कि इससे बढ़कर फितना आजमाइश आरनो के एक जवान के लिए हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब अगर अल्लाह ताला की मार्फत उस यानी उस शख्स के अंदर आ जाए उस मोमेंट में भी, तो देखें कितने बड़े फितने से जो है बंदा बच जाता है। तो अल्लाह ताला की नेमतें जो है ना ब्रो, आई थिंक वी नो वी बी लिटल इट। अभी हमने जो पानी की बात की है, पता नहीं हम कितनी दफा पानी का जो है बॉटल जो है उसका ओपन की और पीने लगे घट घट घट, पता भी नहीं चला क्या। हम माइंडफुल अगर होंगे ना तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। हाँ। में आ रही थी कि गुड लिसनिंग जो है ये आप में तभी आ सकती है अगर आप माइंडफुल हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो। अदरवाइज अगर आपने कहा ना जैसे कि मैं मल्टीटास्किंग एक बंदा करता है, जो मल्टीटास्किंग बंदा करता है अपनी लाइफ में वो गुड लिसनर नहीं कम अज कम। बिल्कुल सही कह रही है। आपने शायद लोगों को देखा होगा, बिल्कुल सही, जिनसे आप बात करते हैं दे आर सो एजिटेटेड एंड दे जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न के वो अपनी बात शुरू करें, आपकी बात खत्म हो, या फिर इवन उसकी बात को ना इग्नोर कर रहे होते हैं, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, अपना काम करें, हाँ बोलते रहो। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो ना कि जो भी सहाबी आते थे उनकी तरफ सिर्फ चेहरा नहीं करते थे, अपनी पूरी छाती बैठते थे, कहते ना तवज्जो, तवज्जो क्या वज है, और वज मीन्स पूरा आपका जो अटायर है ना आप उनकी तरफ करते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेवर यानी अ पर्सन हु वाज डिस्ट्रैक्टेड व्हाट्स हैपनिंग। हर इवन बच्चों को ऑब्जर्व भी करना, वो जो अबू उमैर थे जिनकी चिड़िया थी उनको ऑब्जर्व किया, यानी एक बंदा अगर माइंडफुल नहीं है और वो फॉर एग्जाम्पल जंगी प्लानिंग के बारे में सोच रहे और कुफार के अटैक के बारे में सोच रहा है और है प्रेजेंट, ब्रो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम वैसे बैठे होते हैं लाश में तो वाइफ को आगे बात कहती हैं तो वाइफ कहता मैंने तो ये कहा था आपको, और हम कहते हैं नहीं आपने तो मुझे नहीं कहा कभी, ये एक दफा नहीं मेरे ख्याल बार-बार होता है। हाँ, बार-बार ऐसे होता है। और सुभान अल्लाह मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई बिजनेसमैन आपको ये कह दे या फर्ज में कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि यूथ क्लब ने अगर ये काम किए ना तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों से चली जाएगी, या कोई बिजनेस का एक्सपर्ट कहता है कि अगर तुमने अपना बिजनेस ऐसे लेके गए तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी बिजनेस जाएगी ना वो ये होगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर जो आफात आने वाली थी ना उनमें से सबसे पहली आफत ये बताया कि सबसे पहली चीज़ जो आफत तुम पे आएगी ना, अव्वलु शैइन युरफ़ाउ हाज़िहिल उम्मा अल-खुशू हत्ता ला तरा फीहा खाशिया, सबसे पहली जो चीज़ तुमसे उठा ली जाएगी ना तुम ना उठने देना उसको कभी भी, तुम ना जाने देना उसको अपने हाथों से, वो खुशू होगा यार, वो बीइंग माइंडफुलनेस होगा। इसमें आगे बता दिया गया है कि तुम देखोगे नमाजियों को मस्जिद में लेकिन उन बंदों के अंदर खुशू नहीं होगा। स्कॉलर्स कहते हैं
कि कितने ही लोग अल्लाह ताला को क़यामत के दिन आके मिलेंगे एंड दे नेवर एक्सपीरियंस्ड माइंडफुलनेस इन देयर लाइव्स और हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो उठाई जाएगी वो खुशू होगा और सबसे आखिरी चीज़ उठाई जाएगी वो नमाज होगी. यानी सबसे पहली चीज़ खुशू है और आखिरी नमाज है. देयर विल बी पीपल प्रेइंग फॉर ऑल देयर लाइव्स. बट अबू बकर सदीक ने सुभान अल्लाह अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं और यानी सहाबा मीन्स उनके कंपेनियंस, ठीक है, और वो सामने बैठे हुए हैं. तो आयात की तलावत हुई तो वो लोग रोने शुरू हो गए. अबू बकर सदीक भी रोने शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि हा कदा कुन्ना थुम्मा कसत कुलूबुना, हम ऐसे ही हुआ करते थे. अच्छा. और फिर हमारे दिल सख्त हो गए. ये अबू बकर सदीक कह रहे हैं ब्रो कि हम ऐसे ही रोया करते थे अल्लाह के नबी की महफिलों में और फिर हमारे दिल जो है ना सख्त हो गए. आप इसको थोड़ा सा दो मिनट के लिए इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें ना कि हम लोग की नमाज अभी किस तरह की है. जब हम लोग जाने से पहले हम मस्जिद एंटर कर रहे हैं और फोन देखते 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 सफ में खड़े होने से पहले फोन बंद करते हैं और अल्लाह अकबर कर देते हैं. ये इट्स इम्पॉसिबल कि हम इतनी जल्दी स्विच कर जाए. इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेशन लेवल मतलब कोई और दुनिया का काम उठा लेने नहीं होता. मैं इनफैक्ट बल्कि हम पहले भी बात करें तो मेरे दिन में अपनी जैसे स्पोर्ट्स की एग्जांपल आती है ना तो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इस चीज़ पे होता है यार कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए. जब बॉल करने लगे ना, बॉलर है तो उसको जिस आपने जिस जगह पिच करनी है बॉल ना आप फोकस उस पर फोकस करें. वॉच इट, आपकी बॉल बेहतर होती है. फिनिशिंग फुटबॉल आप खेल रहे हैं आप विजुलाइजेशन अलहदा होती है. आप जब बॉल आ रही है टच करें बॉल की तरफ देखें और टारगेट मतलब ये बहुत टेक्निक्स हैं जिससे आपका साइकिल राइडिंग यू नो आप एडवेंचर राइडिंग में खास तौर पे यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टर्न्स. यू नो व्हाट दे से लुक वेयर यू वांट टू गो. डोंट लुक हियर देयर. हर रॉक को नहीं देखना आपने जब आप ऑफ रोडिंग करें स्पेशली. डोंट लुक एट द रॉक्स जो इधर उधर गुजर रहे हैं. अगर आप इन्हें देखेंगे ना आप उनको मिस कर देंगे. लुक वेयर यू वांट टू गो. ये रॉक्स के ऊपर से आप फ्लाई करो. अब नमाज आप देखें. Look where you want to go. Subhanallah, bro. सही बात है. Look at the place where you want to be. You crave for that position कि यार अब सजदा आए. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Subhanallah. अच्छा हमें क्यों नमाज में हुक्म दिया गया अपने सजदे की तरफ जगह पे देखो. Because you crave for that position. क्योंकि आप वहाँ पे अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होंगे. And this is you know bro नमाज के अलावा भी your complete life is all about being mindful of Allah is watching you. خشیت humbleness برو کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز انہوں نے جب پڑھ لی نا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو پیچھے تھا کہتے ہیں کہ دیکھو میری کمر پہ کوئی چیز تو نہیں ہے. آئی ایم فیلنگ اچنگ کہ کوئی اچنگ فیل ہو رہی ہے. تو انہوں نے جب ان کا جو کرتا اوپر کیا نا تو وہاں پہ وہ ہنی بھی تھی ویسپ تھی اور تقریباً 16-17 جگہ پہ اس نے جو ہے کاٹا ہوا تھا. تو کہتے ہیں امام بخاری اگر پہلی دفعہ جب اس نے کاٹ لی تھا تو آپ نے نماز کیوں نہیں اپنی جو ہے ختم کی اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کی کہ اس کو پہلے دیکھتے. تو کہتے ہیں مجھے احساس ہی نہیں ہوا. آئی واز کمپلیٹنگ سم آیات تو مجھے یعنی میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں نماز کو ترک کروں. یعنی ان کی جو لذت تھی مزہ تھا زیادہ اس طرف تھا مومنٹ تھے نا. اور میں حیران ہوتا ہوں اب دیکھیں سبحان اللہ ابو دردہ کہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے یار سو امیزنگ. ہم لوگ کیوں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہی تو لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ابو دردا ہی از ہیونگ ہز ہیڈ آن دا لیپس آف ہز وائف آل رائٹ. اور اب دیکھیں دس از دا ویری یو نو جوئس موومنٹ پرائیویٹ موومنٹس رائٹ ہسبینڈ اینڈ وائف. تو ہوتے کیا ہیں کہ آل آف اے سڈن ہی اسٹارٹس کرائنگ. ان کے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے دیکھتے ان کی جو وائف ہیں وہ بھی رونے لگ جاتی ہیں. اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ ماں یب کی آپ کیوں رو رہی ہو. تو کہتے ہیں کہ میں فرائی تو انت تب کی تو میں بھی رونے لگ گئی. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اس مومنٹ پہ میرے ذہن میں ایک آیت جو ہے میرے ذہن میں آ گئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ابھی قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ پل صراط ہوگا a bridge which is sharper than the blade and you know thinner than the hair. تو اور پھر اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ ثم ننجی الذین اتقوا. ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے اس وقت بھی. نیچے جہنم ہوگی اس پل کے نیچے. ونذر الظالمین فیہا جثیہ. اور ہم ظالموں کو ادھر گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں ابو دردہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں فلا ادری
अनाज मिन है अमला, तो मैं ए मेरी बीवी, ओ माई बिलवड वाइफ, आई डोंट नो कि मैं उस सिचुएशन में बचाया जाऊंगा कि नहीं. तो मुझे वो मंजर याद आ गया. I mean, subhanAllah, how these people used to think. नहीं, bro. अगर आजकल के जमाने में एक husband wife ऐसे हैं, तो दोनों के हाथ में फोन होगा, bro. Wife के हाथ में भी फोन होगा, अगर वो लेट के भी फोन यूज कर रहा होगा, तो वो thought कैसे आएगी ज़हन में? Distracted, bro. आयत कैसे आ सकती है ज़हन में? यही तो हम कहते हैं ना कि यार हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हमारा खुशू खुजू नहीं हो रहा. When we don't know when Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. यार वैसे ही तो नहीं ऐसे हो जाता था ना कि वो सहाबी हदीस पढ़ रहे हैं और बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, उठते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, और तीन बार ऐसा होता है. मतलब हाउ इन योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन जहां पे कोई बंदा जस्ट बाय इमेजिनिंग समथिंग अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर दे. इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. हाउ कम दीज पीपल हैड सच काइंड ऑफ माइंडफुलनेस? सो ब्रो, और इवन बहुत सारे सलफ के बारे में भी, मुस्लिम यसार के बारे में आता है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो नमाज पढ़ते पढ़ते ना उनके घर में एक सांप ऊपर था, और वो चूँकि खजूर के पत्तों की छत होती थी, वो गिरा. एंड पीपल वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, घर से बाहर निकले कि स्नेक स्नेक हैया हैया. तो वो नमाज कंटिन्यू की उन्होंने, और जब नमाज ख़त्म की तो लोगों ने सांप पकड़ लिया था, और कहा तो आपने हमारी बात नहीं सुनी. तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं, क्या हुआ? कहते हैं सांप आ गया था. एक और सलफ में आता है कि वो नमाज पढ़ते एंड खाना पक रहा था, तो द फायर ब्रोक, और उनका आधा जो घर ना वो जल रहा था, ठीक है. तो ही वॉज इन ए सलाह एंड पीपल स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, और जब उन्होंने नमाज खत्म की तो कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहते हम तो पागलों की तरह चीख रहे थे, किस चीज ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था हमारी शाउटिंग स्क्रीमिंग से? कहते हैं नारुल उखरा, दूसरी आग ने. जुबैर के बारे में भी आता है ना, उनकी टांग, कहते हैं कि वो डॉक्टर ने जो तबीब था कहते हैं कि हम आपको इंटॉक्सिकेट कर देते हैं ताकि आपको दर्द ना हो, आपकी टांग तो काटनी, गैंग्रीन था ना उनको. कहते हैं कि नहीं बस जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना अपना ऑपरेशन कर लेना. अच्छा, मुझे अभी तक ब्रो ये लग रहा है कि माइंडफुलनेस एक तरफ है, और दूसरा उसके जो कंट्रास्ट में चीजें ना वो आपकी मल्टीटास्किंग. बिकॉज हम माइंडफुलनेस लूज तभी करते हैं जब मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी थिंग, लाउंज में आप ये चाह रहे हैं कि आप ऑफिस का भी कुछ काम कर लें और एट द सेम टाइम आप बच्चों के साथ भी बैठें और वाइफ वाला टाइम भी आप साथ ही कर लें. दोनों ले रहे हैं तो इसमें ना इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं. एक तो ये है, दूसरा पता है क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो चुके हुए हैं कि हमें पता भी नहीं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. एक है ना कॉन्शियसली, अच्छा मैं काम भी कर लूं, बच्चों को देख लूं. अब कहते हम घर में एंटर करते फोन देख कर रहे होंगे, यार ये कर दो इधर कर, बच्चे अस्सलाम वालेकुम. हम बाय डिफॉल्ट हम इतने ज्यादा ट्रेन हो चुके हैं इस चीज के कि हमें पता नहीं चल रहा कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ऑल टाइम्स. प्रैक्टिकल स्टेप्स इंशाल्लाह कुछ डिस्कस करते हैं. सही बात है कि यानी द आयरनी इज कंट्रास्ट कितना ज्यादा है कि हमें नमाज में भी खुशू नहीं मिलता, और वो लोग कैसे थे कि नमाज से वो ख़त्म करके निकल जाते थे बट देर हार्ट वॉज स्टिल इन सलाह. वो दुआ करके अपने हाथों को नीचे कर लेते थे बट देर हार्ट वॉज स्टिल मेकिंग दुआ. वो सुभान अल्लाह अल्लाह के साथ अल्लाह के को याद करते हुए वो उठ के अपने दे डू जॉब दे डू ट्रांजेक्शन अपना बिजनेस कर रहे हैं बट देर हार्ट इज स्टिल इन माइंडफुल. यानी सुभान अल्लाह हम कहते हैं ना कि एक है कि चीजों को फोकस के साथ करना ब्रो हम क्या माइंडफुलनेस है, लेकिन असल चीज ये है कि जब आपने अब उस काम को कर भी लिया ना आपका हार्ट अभी तक माइंडफुल है टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इसको अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह प्रेज किया है, वैल्यू किया है कि वो लोग जो वो जो बंदा है जिसका दिल जो मस्जिद में अटका रहता है, अटका रहना क्या है बेसिकली, मुअल्लक है ना, वो माइंडफुल ही तो है उसका दिल. उसका अजर कितना है? नहीं ब्रो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सेवन अंडर द शेड ऑफ अल्लाह सुभान व तआला. हाउ कैन वी बिकम माइंडफुल? लाइक जैसे आपने कहा है ना कि अगर मैं अगर अपनी बात करूं, मैं चाहता हूं कि मैं नमाज में मेरा दिल लगे, तो व्हाट आर द यू नो प्रैक्टिकल स्टेप्स आई शुड टेक ताकि मैं नमाज में वाकई सिर्फ नमाज पे फोकस करूं और कोई मोबाइल कोई घर के काम कोई ऑफिस के काम मेरे जहन में ना आए? क्या टिप्स देते हैं आप? वो एक तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं द चीफ ऑफ ऑल टेक्निक्स, नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो हु योर रब इज. वो आपको देख रहा है, वो आपको पाल रहा है. हर इवन नूह अलैहि सलाम के बारे में आता है कि वो हर लुक्मे के बाद ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करते थे, इतने वो शाकिर थे. तो मैं और आप हम जब खाना खा रहे होते हैं यानी अल्लाह की ब्लेसिंग्स हो जाना. अच्छा, एक चीज़ जो हम ने शायद डिस्कस नहीं की वो ये कि अपने बारे में जानना, यानी सॉल्यूशंस में
एक तो अल्लाह को तो जानना है अपने बारे में जाना, इज इट माय ईगो दैट इज कमिंग इन द वे, इज इट माय जॉब, इज लैक ऑफ टाइम, इज इट द लैक ऑफ टाइम, यस, इज इट माय फैमिली, इज इट माय फेम, व्हाट इज इट कि जो मेरे और अल्लाह के साथ माइंडफुलनेस में बीच में आ अपने डिस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मेरे ख्याल में ना आई वुड से कि जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, एक है कि क्या करना चाहिए, अपने अल्लाह ताला के बारे में जानना चाहिए। मेरा सवाल हम सबसे ये होना चाहिए कि हम या हमारे अपने आपसे होना चाहिए कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे, जब हमें पता भी है कि क्या करना चाहिए, बट वाई इज इट दैट वी आर अनएबल टू डू इट। एवरीबडी, कितने यंग लोग हैं, कहते हैं यार फोकस करना है, पता है क्या करना है, कैसे भी करना अक्सर पता लग जाता है, लेकिन उसके लिए मेरे नज़दीक आई जेन्युइनली बिलीव व्हाट इज द बिगेस्ट इशू इस वक्त जो हमारा है ना, कि हमारा जो फोन के साथ जो ताल्लुक बन गया है उसकी वजह से, जो अभी अली भाई बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी वाली चीज, कि हर वक्त प्रोडक्टिव होना, हर वक्त कुछ करना, मतलब हम बल्कि प्रोडक्टिविटी के नाम में और इस फोन की वजह से our mind is always occupied, always occupied. हम एक वक्त में एक काम करने के काबिल ही नहीं रहे। यूनिटास्किंग वाली चीज इतनी कम होगी, एंड दैट लीड्स टू हायर स्ट्रेस लेवल्स, दैट लीड्स टू लैक ऑफ टाइम विद आर ओन सेल्फ्स, दैट लीड्स टू अ टाइम कि हमारा हमारी दुआएं किधर है। हम नमाज के बाद, नमाज के दौरान आगे वैसे कोई दुआ का टाइम ही नहीं मिल रहा। दुआ हमसे, मुझे पता है किससे, सुभान अल्लाह, मुझे तो कभी कभार होता है, इवन उम्रे पे भी हम जाते गए थे, तो कभी कभार लंबी दुआएं, हमारी कितनी देर हम दुआएं मांग सकते हैं, हमारी दुआएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। वी आर सो मच मतलब ओवर स्टिमुलेटेड विद सो मच गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, ऑलरेडी दिमाग में चीजें चल रही हैं। हम कह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉज करके ना दोबारा रीथिंक करें। आई वुड से कि हम क्या डिस्ट्रक्शंस हैं और कहां कहां हम लैक कर रहे हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिफाई करके, इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सेशन। दिस सेशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक फॉर आवरसेल्व्स, लाइक एवरी सेशन। आज एक दोबारा से एहसास दोबारा से हो रहा है कि यार माइंडफुल होना बड़ा जरूरी है। आज आज इसके बाद ना नो फोन चेकिंग, घर जाके फोन रखना है, डेडिकेट करना है अपने टाइम को। बच्चों का टाइम है तो वो बच्चों के साथ, वाइफ का तो वाइफ के साथ, वर्क का तो अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद करके विदाउट डिस्ट्रैक्शन टिका के फिर काम करना है। एक्सरसाइज का है तो फोन उस वक्त दूर रखना है, इतना मोबाइल यूज करते हैं ब्रो, वही बात होती है कि उनको ना कोई रिजल्ट ही नहीं नजर आ रहा। प्रोडक्टिविटी के चक्कर में ना, मैं आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करता हूँ मुजम्मिल से कि मैं वैसे उसको बताना चाह रहा था कि हम कितना प्रोडक्टिव है माशाल्लाह। जब भी हम हमारा खाना आता है तो वी चूज ए गुड वीडियो जिससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं। And we play that. एक तो है ना कि मैं घर जाते फोन रख दूं और सही तो प्रैक्टिकल, असल जो चेंज ऑफ माइंड है ना और चेंज ऑफ प्रायोरिटीज है, ये बड़ी जरूरी है कि मैंने आखरा फोकस्ड बनना है, मैंने दुनिया फोकस्ड नहीं बनना, मैंने अल्लाह को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे लेके आना है, एंड आई कैन सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। इवन सुभान अल्लाह, वो जो साबित अल बुनैनी के बारे में आता है ना कि वो उनकी आंखें ना कमजोर होने शुरू हो गई, वो डॉक्टर के पास आए और उन्होंने चेकअप कराया, जो तबीब था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट्स द रीज़न एंड आई नो व्हाट्स द रीज़न, आप कम रोया करें, आप इतना आंसू ना बहाया करें। तो क्या कहते हैं पता आपको, कहते हैं वह अय्यु खैरिन फी आइनि ला तबकी, ऐसी आंख में क्या खैर है कि जो रोए ना। यानी दे प्रायोरिटीज मस्ट, हम रोना छोड़ देंगे ब्रो अगर हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हों। इवन सुभान अल्लाह, आपको बताऊँ, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह जा रहे थे, उनके साथ ना याह बिन मईन थे और वो बगदाद पहुंचे, दोनों जॉइंट ऑफ स्कॉलर्स, याह बिन मईन, अहमद बिन हम्बल। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने ना अपने कंधे पे लकड़ियां उठाई हुई थी अपने बैग पे, और लकड़ियां उठा के ना बोझ की वजह से झुक के ना वो चल रहे थे, लोग भाग के आए, शेख इमाम अहमद बिन हम्बल आप ये कर रहे हैं, हमें दें। और याह बिन मईन भी कहते हैं कि हमें दें, ऐसा ना करें शेख, आप शेख हैं। और लोगों ने कहा शेख जज़ाकअल्लाहु अनिल इस्लामी खैरुल जज़ा, कि आपने जो इस्लाम की खिदमत की है और जो आपने काम किया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, प्लीज़ ये लॉग्स हमें दे, वुड लॉग्स। कहते हैं नहीं, बल जज़ाल्लाहु इस्लाम अन्नी खैरा, कि अल्लाह इस्लाम को जज़ाए खैर दे कि उसने जो मेरे साथ मुझ निकम्मे के साथ किया है, मन अना व मा अना, मैं कौन हूँ और मैं हु एम आई व्हाट एम आई। मैं इसको ना मैप कर रहा था ना जब अभी, तो मेरे जहन में यार था कि इसके लिए ना गोल सेटिंग सबसे पहला स्टेप है। एग्जैक्टली आपका गोल सेट हो, लेकिन गोल सेट से पहले भी एक स्टेप है हैविंग द नॉलेज। लेकिन जब आपको नॉलेज नहीं है ना आपके पास, फिर आप गोल सेट कर ही नहीं सकते, बल्कि आप गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप गलत गोल सेट करें। गोल तो आप किसी में सेट कर सकते हैं, हाँ, गोल तो सेट कर सकते हैं। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आता है स्टेप नंबर टू इज गोल सेटिंग, जो कि वही आपने आखिरा फोकस्ड दैट, और उसके बाद कंसिस्टेंसी। गोल सेटिंग नहीं होती ना उसके लिए रमजान इज अ बर्डन, हाँ,
यानी उसके लिए रोजा रखना इट्स अ बर्डन, उसके लिए तरावी पे जाना इट्स अ बर्डन, ही विल हैव टू ड्रैग हिमसेल्फ फॉर तरावी, और पास करेगा टाइम, राइट, पास करेगा, बट जिसका गोल सेटिंग क्लियर है ना, ही विल लव गोइंग फॉर सलाह, वस्तैनु बिसबरी वसला, लेकिन ये वही लोग मदद हासिल कर पाएंगे नमाज और सबर से, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशीइन, जिनकी गोल सेटिंग क्लियर है, जिनका जो आखिरा फोकस्ड है, सो दिस सलाह विल बिकम प्रो इवन सुबहानअल्लाह, कुछ लोगों का कुरान पूरा का पढ़ना उसका सवाब एक जगह पे, कुछ लोगों का सिर्फ दिल से अल्लाहु अकबर कहना इसका सवाब ज्यादा हो सकता है, व्हाई, बिकॉज़ दे आर सो माइंडफुल ऑफ दैट अल्लाहु अकबर, वो जो हदीस है बताका आती है, बताका वाली जो हदीस है उसमें क्या होता है कि 99 स्क्रोल्स ऑफ सिंस, बट एक चिट लग जाएगी, ओके यार ये चिट क्या करेगी, ये तूने जो माइंडफुल होके कलमा पढ़ा था ना, पता नहीं किसी मौके पे अब्सॉर्ब करके ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, तू ही है, यानी ये एक चिट भी ना आपको पार कर देगी इफ योर माइंड। अच्छा ब्रो, कॉन्शियस एफर्ट डालनी चाहिए, मिसाल के तौर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुरान मजीद पढ़ते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है ना कि उन्होंने जब सूरह बकरा पढ़ी ना पूरी तो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, और खुशी इसलिए मनाई क्योंकि सहाबा इकराम जो पढ़ते थे ना वो अगली आयत पे जाते नहीं थे अनलेस एंड अंटिल उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे। और अबू मूसा अलैशरी इस हवाले से कहते हैं कि जब यू नो ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, कहते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के हर हुक्म पर मैंने इम्प्लीमेंट किया है उसको सिवाय एक के, और पता है वो क्या आयत थी जो सूरह नूर में आती है कि जब ए ईमान वालों जब किसी घर की तरफ जाओ ना और आप वहां पे दस्तक देते हो 3 times और अगर वो आपको मना कर दें तो वापस आ जाओ, बोलते हैं इस पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, यू नो व्हाई, आपको पता है कि अरब कितने हॉस्पिटेबल लोग होते हैं, उनके लिए ऐब है कि कोई मेहमान आया हुआ और उसको वापस जाने दे, बोलते हैं इस पर मैं नहीं कर सका, इसके अदर देन दैट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब पे इंप्लीमेंट किया। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, आई मीन सीरियसली, अगर मैं अपनी बात करूं, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम माय सेल्फ, कि जब मैं कुरान मजीद की आयत मेरे सामने आ जाए ना कि मैंने आई हैव टू कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारहिम, अपनी नगाहें नीचे कर लूं, जहां पे आ जाए ना, यानी जहां पे मुस्लिम वुमेन को एक यानी ये कहा जा रहा है कि अब कवर योर सेल्फ, No ifs and buts, please. यानी we have to do it. और इसमें हमारा ही फायदा है। एक और मैं बताऊँ यार, वैसे ना हमें लोगों को ज़्यादा क्या करना है, हम ये भी जान चाहिए कि जो आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं ना, ये दुनिया जहान के मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, उनकी कुछ खैर की बातें भी हैं, बट मुझे अब ये बताएं क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है उनके मुताबिक कि आप एक जगह बैठ के 100 times ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ रहे हो, बिल्कुल क्या फायदा मिल भाई जान, क्योंकि आप टेंजिबल कुछ अचीव नहीं कर रहे, अचीव नहीं करो ना, आप ना वो जॉब पे टाइम गुजार रहे हो, ना आप कुछ बिजनेस, ना फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ना आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्रो सही कह रहे हो, व्हाट बेनिफिट, यानी हमारा ब्रो इतना माइंडसेट दुनिया फोकस्ड हो गया है कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पेंड लाइक 10 मिनट्स इन जिक्र, डूइंग जिक्र क्या फायदा होगा मुझे ना, वे हेल्थ बेनिफिट है क्या, हमारा इतना करप्ट हो चुका है गोल सेटिंग, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये कि वो इस गोल सेटिंग की बात आप कह रहे थे ना, उसके पीछे क्लियर पर्पस और विजन होना चाहिए कि मैं गोल सेट क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ ना, तो फिर साथ इल्म से जुड़ना और सारी चीज करना। आई थिंक इसमें जस्ट टू फाइंड सम फाइनल पॉइंट्स मेरी तरफ से, कि जो जो भी हम काम कर रहे हैं ना इस वक्त, जिसका जो जिस फील्ड में भी है, चाहे वो प्रोफेशनली है या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अपनी लाइफ में से जो चीज़ें आपको ओवर स्टिमुलेट कर रही हैं, जिसके अंदर आपकी सेलफोन है, आपका लैपटॉप है, अगर यू नो प्लीज़ उसके ऊपर बहुत फोकस करके उनको ख़त्म करें। एग्जैक्टली, यू नो ये जो हाइपर फोकस वाली किताब है, इसका जो ऑथर है उसने भी कहा था, उसने कहा मैंने जब अपने ऊपर काम शुरू किया था, मैंने लिखा कि 30 minutes मेरा फ़ोन यूज होगा डेली, एंड दैट इंक्लूड्स फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब हर चीज़ 30 minutes के बाद मैंने फ़ोन नहीं यूज़ करना, कहते हैं एंड दैट काइंड ऑफ लीड्स टू बोर्डम। जो बोर्डम का कॉन्सेप्ट है, बोर्डम इज व्हेन आपका ओवरस्टिमुलेशन कम होती है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, आपकी क्रिएटिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्लानिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और आप बहुत सारा फोकस बाय नेचुरली आप फोकस आपका बढ़ जाता है नेचुरली, ठीक है। तो उसने कहा दैट्स व्हाट कहते हैं, इट टेक्स ओनली 7 to 8 days बाय द वे, इफ यू डू दिस कंसिस्टेंटली फॉर 7 to 8 days आपका ये लेवल्स अचीव होना शुरू होते हैं, और कहते हैं दैट्स व्हेन आई वाज एबल टू राइट बुक्स एंड चीजें, कहते हैं मैंने फोकस करके काम किया। एंड हमें अगर ये कर लेना और साथ हमने तो किताबें अगर नहीं लिखनी, हमने क्या करना, हमने अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बनाना ना, तो अभी रमजान के अंदर 7-8 days के अंदर आखिरी अशरा से पहले अगर हम ये कर लें, सही बात है, तुम्हारे आखिरी अशरा में सोचें इबादत में और दुआओं में कितना इंपैक्ट आ सकता है। बोर्डम का भूत सवार है हमारे सर पे, वी फियर बोर्डम,
मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये कितना कॉमन है, मैं बोर हो रहा हूँ, वी डोंट वांट टू बी बोर्ड, एंड यानी बोर्डम को इतना यानी हमें वो कर दे सॉलिट्यूड इज अ प्लेस वेयर जीनियसेस लिव. सॉलिट्यूड और जो ये बात है कि डीक्लटरिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप ये करते हो ना, हम देखें कि हम सुभानअल्लाह लाइफ में इतनी चीज़ें हमने सर पे ली हुई हैं. हमें जो शेख अब्दुलरहमान हफीज़ पढ़ा रहे थे, कहते हैं यार बहुत सारी चीज़ें कैंसिल करो लाइफ में, जो मैंने फजूल की चीज़ें ली हुई हैं कैंसिल करें चीज़ों. मैं तो ब्रो एक एक फ्रेज़ मुझे याद आता है जो डॉक्टर फ़ज़लुल्लाह हफ़िज़हुल्लाह जो कहते हैं ना, सुभानअल्लाह एक फ्रेज़ है ब्रो उनका, कहते हैं खुदा के लिए अल्लाह के लिए अपने हाल पर रहम करें. वल्लाह सो प्रोफाउंड कि हम लोग यकीन करें अपने ही नुकसान कर रहे हैं लिटरली. तो अल्लाह ताला हमें जो है ना समझने की तौफीक अता फरमाए. कि जो कहा है ना कि लोग इस तरफ ड्राइव कर रहे हैं लोगों को, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है. कन्फ्यूजन असल में हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है. हम पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और पैसा कमाने के लिए हमने कहा हुआ है कि हार्ड वर्क करना है, प्रोडक्टिविटी आपने करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना. आप मुझे बताएं ना, आपको YouTube पे आगे पीछे कितने सेशंस सॉलिट्यूड पे मिलेंगे? आपने सॉलिट्यूड की बात की है ना, कितने सेशंस आपको लोग इनकरेज करते हुए ये बताएंगे कि अकेले रहना और किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को मुकम्मल एहसान के साथ वक्त देना, उस पर सोचना इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ पे आपको नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमारी डेफिनेशंस डिफरेंट है. हमारी डेफिनेशंस है कि ये टाइम आप वेस्ट कर रहे हो. अगर आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर रहे एक टाइम पीरियड के दौरान, तो आप अपनी ज़िंदगी का बहुत सा चंक वेस्ट कर रहे हो और आप उतने पैसे नहीं कमा सकोगे. टाइम इज मनी वाला कांसेप्ट. इट्स कंपटीशन, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन. आप अपने साथ दूसरे लोगों को देखते हो, मे बी आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हो, बिजनेसमैन को देखते हो, कि उन लोगों ने कितना ज़्यादा अचीव किया. और आपकी नजर में यही है कि उन लोगों ने इतना अचीव इसलिए किया है बिकॉज दे इन्वेस्टेड देयर टाइम वेरी केयरफुली. ब्रो इवन ये भी कहा जाता है कि your success defines you when people are sleeping. What do you do with the time when people are sleeping? yani jab log so rahe ho na, tum us time bhi gadon ki tarah kaam karo. ye log kehte hain ki tum sone ko bhi thoda minimize karo aur kaam karo. halanki agar hum bro se maine is conclusion tak pahuncha aur ye hum aakhri final baat karte hain, aapko duniya ka jo productive concept gora par apni saalon ki research ke baad billions of dollars ke baad us pe pahunchega na, aapko islam mein mil jayega. जो सक्सेस की टिप्स इस्लाम में है ना, वो कहीं और नहीं है. आप सिंपल सर सुट के आंखें बंद करके अल्लाह के नबी की अहदीस को, कुरान की आयत को पढ़ें, समयना वाला आदवाना वाला एटीट्यूड रखें, उतना खाएं जो अल्लाह के नबी ने खाया, उतना सोएं जो अल्लाह के नबी. सीरा जो है ना, सीरा इज माइंडफुलनेस. यस, आपने भी जो बात की थी ना बीच में, मुझे अपना याद आया जब आपने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी को आते थे उनसे बात करते थे, उनकी तरफ मुतवज्जो होते थे. वो ट्राई करें. मैंने रिसेंटली अपने बच्चों के साथ ना मैं काम कर रहा था, वो आके बात करे तो मैंने ना एक्चुअली मेरे ज़हन में खुद ही से आया, तो मैं उसके टर्न होके बात किया. यार उसके फेशियल एक्सप्रेशन ना चेंज हुआ, वो उसने कहा ओए जी आज तक जिंदगी में आपने मुझे इतना प्यार नहीं किया. ये छोटी सी चीज है और सीरा की मतलब इससे बहुत बड़ी बड़ी और बहुत से वाकई आते हैं जिसको हम अप्लाई करना शुरू कर देना तो यार सुभानअल्लाह माइंडफुलनेस कहना. एक दुआ ब्रो जो हमें सीरे से मिलती है, तो ये जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, याला ऐसे इल्म से पनाह दे जो नफे वाला ना हो, वमिन क़ल्बिल ला यख्शा, ऐसे दिल से भी पनाह दे, काश वो दिल हमारा हो ही ना, जो खुशू वाला ना हो यानी माइंडफुल ना हो, वमिन आइनि ला तदमा, ऐसी आंख से पनाह दे जो आंसू ना बहाए, वमिन दावतिन ला युस्तजाब लहा, और ऐसी दुआ जो कबूल ना हो उससे भी पनाह दे. सो कहने का मतलब यह है कि ये माइंडफुलनेस अल्लाह से मांगे, बेशक अल्लाह की तौफीक. मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने माइंड को बिजी करना है ना, अगर आपको बहुत आदत पड़ गई है तो अल्लाह की याद से बिजी कर लें. जबरदस्त आपकी याद बिजी होनी. एक बात बताए, जो शख्स रोजे की हालत में, बारिश हो रही है भारत ने मजे की और आपका रोजा है, जो दुआएं ना करे वो माइंडफुल नहीं है ब्रो. वो वीडियो तो बना ले ब्रो. उस दिन वो जो भाई ने हमारी पिक्चर शेयर की थी ग्रुप में हरम की, कि एवरीबॉडी यानी एक पिक्चर ली गई थी जिसमें लोगों के हाथ और सेलफोन थे और वो सामने काबा था, कॉन्सर्ट में होते हैं, जैसे कॉन्सर्ट में होते हैं. वो जो बंदा काबा में जाके भी पिक्चर्स ले रहा है
और तवाफ के दौरान एक होता है कि आप इबादत से फ्री हो गए हो, आपने फिर थोड़ा सा कुछ व्लॉगिंग कर ली तो आप मैं सेव करने लगा हूँ, ठीक है आप ना करते तो मैं बात कर लेता तो वो अलग है, ठीक है। लेकिन ब्रो आई वाज वेरी टेम्प्टेड टू डू दिस, लेकिन मेरा मैं आई जस्ट कुडंट डू, मतलब मुझे खौफ आ रहा था कि मैं यार तवाफ कर रहा हूँ, नहीं इट हैज टू बी फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं इसमें फोन नहीं निकाल सकता बिल्कुल भी, और सही कर रहा हूँ, नहीं नहीं ब्रो फोन नहीं ब्रो, हम लोग मैं हमेशा पता नहीं इस कॉन्सेप्ट को टच किए कि हम जब फैमिली साथ रिक्रिएशन पे जाते हैं, माउंटेन्स में जा रहे हैं, एवरीबॉडी इज टेकिंग पिक्चर्स, ओ भाई नोबडी इज एंजॉयिंग द मोमेंट, नोबडी इज एंजॉयिंग द मोमेंट, एंड देन वी एंजॉय दोस पिक्चर्स आफ्टर दैट, उस टाइम को जो पहले लोग एंजॉय करते थे वो तो एंजॉय करो, खाना खाने गए हुए तो दुआएं भी, दुबई दुआएं भी जो हम करते हैं ना इंशाल्लाह हम लोग माइंडफुल होके करें। एक दुआ जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पसंद है इंशाल्लाह, वो भी हम अपने बकेट लिस्ट में ना डाल दें जब हम दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा अक्सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिका व मिन ताअतिक, बहुत कमाल की दुआ है कि अल्लाह मुझे ऐसी खशियत अता फरमाएं कि जो हायल हो जाए आपकी मासियत नाफरमानी और आपकी इताअत के दरमियान, कि मैं आपकी मासियत की तरफ ना जाऊँ, क्या बात है, मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिका व मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतका, और ये खशियत मुझे आपकी जन्नत तक पहुंचा दे, वमिन अल्यकीनी मा तुहविन बिही अलैना मसाइब अद्दुनिया, और ऐसा यकीन अता फरमा दे, ऐसी खशियत अता फरमा दे कि मेरे लिए दुनिया की मुसीबतों को झेलना आसान हो जाए। अल्लाह यार वितर में जब पढ़ी जाती है ना ये दुआ, इमाम पढ़ा रहे थे रो रो के, कमाल अल्लाह तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और दुआएं जो है ना खशियत के, खैर बहुत सारी दुआएं हैं वो मांगे इंशाल्लाह, और अल्लाह से एक बात सवाल करें, या अल्लाह तेरी तौफीक है इंशाल्लाह, बाकी हमारी तरफ से तो यही था इंशाल्लाह, हम अल्लाह ताला हम सब कुछ अमल की तौफीक, सबसे पहले बोलने वालों को फिर जो ना, आई रियली थिंक एवरी वन ऑफ यू, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, मतलब मेरे लिए तो बड़ा बेनिफिशियल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली सेम है, अल्हम्दुलिल्लाह, रिमाइंडेड अगेन ऑफ यू नो आई हैव टू बी कॉन्शियस, वो सेल्फ एनालिसिस होता है ऐसे बड़ा, यानी हम आपस में यानी डिस्कशन करते करते एहसास होता है कि यार तू कहाँ पे कम है, तेरी कहाँ पे कमी है, उसको तुरंत ठीक करना है अपनी लाइफ को, असल तो मजा तब भी है जिंदगी गुजारने का जब अपनी लाइफ बेहतर हो जाए ना, ये क्या फायदा सब ठीक हो रहे हैं और तुम खराब, क्योंकि ब्रो ये चीज भी ना हमें समझनी चाहिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट रिमाइंडिंग योरसेल्फ, यस ठीक है, आप रिमाइंड कराओगे अपने आप को तो ही कंसिस्टेंसी, एंड यू विल स्लिप एंड देन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ अगेन, ये बस यही सिलसिला है, दोस्तों की भी बात आती है ना, अच्छे दोस्त होने चाहिए, आई एम लकी टू हैव यू गाइस, सेम हियर ब्रो, अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइस आर लकी टू हैव यू।